मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ओके, आप सब बढ़िया होंगे यार। बाकी है ना, अभी कुछ टाइम हो रहा है अपना, 5 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी जा रहा हूँ मैं जिम, ठीक है ना, क्योंकि है ना इतने टाइम हो गया और शायद अब थोड़ा बहुत मेरे रिलीफ भी है हाथ में। सो देन चलते हैं जिम, देखते हैं क्या सीन है ना। गाइस चलते हैं जिम अपना, ठीक है, बहुत टाइम हो गया वैसे भी, चलते हैं। साहिल तो पता नहीं मना कर रहा है, तो स्कूटी खड़ी, स्कूटी चलेंगे। पता नहीं साहिल का क्या सीन हो गया, मैंने बोला चल भाई, बट पता नहीं यार, जो साफ करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो ये है। पता नहीं साहिल की मम्मी मना कर रही है जिम जाने से, तो अब अकेला ही जाया करूँगा मैं, क्या कर सकते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस जिम पहुंच गया था अभी मैं, देखो हो रही है मेरी स्कूटी, एंड लेट्स गो करते हैं। दिनों बाद जिम जा रहा हूँ, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, देखते हैं चेस्ट मारूंगा आज तो मैं, ऊपर होंगे अक्षु भाई, चलता हूँ ऊपर ही, पता नहीं कोई होगा भी नहीं होगा। जिम तो खा लिया है फिलहाल पूरी, कोई नहीं अपन करेंगे सोलो। पंखा चला दूँ, ये ऊपर करना पड़ता साला, इसमें मेरी मेरे को डर लगता है। वो देखो, देख रहे हो, हमेशा ही स्पार्क करता है भाई साहब, देखो स्पार्क कर रहा हूँ यार, मतलब अलग ही सीन। तो सिंपल थी चेस्ट की, होती ये वाली और वो वाली, बाकी डंबल है, डंबल मतलब इस पर प्रेस व्रेस मारो, डंबल प्रेस वो सब है। बाकी करते हैं जल्दी स्टार्ट अपना वर्कआउट, कोई नहीं अपन जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, देन वी गो नहीं खाली मैं ही जाऊँगा। One hour later. Let's go guys, चलते हैं। ये रहा बच्चा वो जो पतंग उड़ाता है, उड़ा ही नहीं रहा आज, तो घर चलते हैं मेरे पास। A few moments later. So guys, फिलहाल घर पे आ गए, and let's go, चलते हैं ऊपर, देखते हैं बाबू शायद पतंग उड़ा रहा होगा यहाँ तक है। उसे प्रोटीप लेंगे उसे पतंग उड़ाने की, है ना, चलते हैं देखते हैं क्या कर रहा है वो। चुका वो ऊपर गया शायद से, चलते अपन भी ऊपर। तो गाइस बाबू ये लेटा टीवी देख रहा है मजे से अपना माइनक्राफ्ट, एंड चलते हैं इसको वो लेके, ठीक है चलो भाई चलें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये वाली पतंग उड़ाई, हवा नहीं चल रही बिल्कुल, देखो पतंग भी कैसे खड़ी हो गई, ये देखो अब जाके थोड़ी बहुत हवा लगी है पतंग में, ये उड़ा रहा अभी बाबू, देखता है कैसे पेच होगा, तो देखता है फिर, वैसे वो लग रहा है लड़ाने की फहराते में, तो बड़ा बड़ा सब कुछ कटवा नहीं गई बच्चिया, देख रही भाई तो अब। हाँ गाइस, अब हवाई नहीं चल रही है, इतनी देर से खड़े हुए हम, ये देखो इतनी बढ़िया, मतलब इतनी थपकिया मारनी पड़ रही है ना, वैसे ही मेरे हाथ में इतना दर्द हो गया कल लिप्पो पतंग उड़ा के। हाँ चल ही नहीं रही भाई हवा, देखो कोई भी नहीं उड़ा रहा इस टाइम, क्यों हवा ही नहीं चल रही, देखो ये बंदा खड़ा हुआ उड़ ही नहीं रही बेचारे से, वो देखो उनसे भी नहीं उड़ रही और इससे भी नहीं उड़ रही, वो देखो वो देखो भाई किसी से नहीं उड़ रही, हमने उड़ा रखी है पता नहीं कैसे। आ गया पेच और ये खींच गया, मार दे मार दे, एकदम गद्दा मार दे इसमें और कुंडी डाल दो, तो गई बिकॉज़ पे तो मार फेंकने लग गया है, तो सब से बिकॉज़ पे तो मार फेंकने लग गया, क्या हुआ आईफोन गई, लिया पतंग लिया ऊपर आ गई, अभी पतंग काट दी। One hour later. गाइस फिलहाल नीचे आ गए सब कुछ लेके, है ना, चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, ऊपर से आज इसे पतंग लगा दी, उधर देखो उनके सामने वाले घर से, वहाँ से पतंग छुटाएंगे अभी, कुनाल आ गया, उसके बाद देखते हैं, अभी अंदर चलते हैं अपन। सो गाइस अभी चल रहे हैं ऊपर, पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, है ना, नीचे मेरा मन नहीं कर रहा, ऊपर चलते हैं, ऊपर बैठ के पढ़ेंगे मज़े से अपना। और यार भाई वहाँ पतंग हटकी पड़ी है मेरी अब तक यार, क्यों यार मेरे साथ ही क्यों, अब तक तोड़ ली होगी, पता है किसकी वजह से, वो है बैबू, उसकी वजह से अटकी है, नूबड़े को आती आती है नहीं। मैं एक चीज़ तो बताने भूल गया, अम्मा का एसी ठीक हो गया, देखो ये वाला नया लग गया, ये वाला हटा दिया एसी, जो पहले यहाँ पे था ना, इसको ही हमने रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है, मतलब ओके हवा दे रहा है बिल्कुल,
बाकी वैभव भी टीवी देख रहा है। तुमने मुझे केले के छिलके पे फेंकने के लिए घर से यहाँ तक बुलाया? नहीं नहीं हमें नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, हमने तो ऐसे ही बुलाया था। A few moments later. हाँ, बहुत सारे एसी चला लो। भाई अभी बंद करा है। मैं घबरा गई, कितना गंदा यार मेरा। हाँ, हाँ ब्रो। घबराने की क्या बात है इसमें? आतंकवादी थोड़ा ना आ गए थे, मैंने पागल वागल हो गए। स्टार्ट हो गया है, पता नहीं किसकी शादी है, समझ नहीं आ रहा कौन मुंह खोल रहा है। इसका शॉट लगाया जा रहा है भाई। कौन है? अरे सोने इंदिरा, देखो देखो शेड, देख रहे हो शेड वहाँ जा रहा है शीशे पे। पैर ब्लॉगिंग नहीं करन दे रहा यार ये, पट 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 पट। An hour later. तो भाई देखो चाचा ने गिफ्ट दिया मेरे को, थैंक यू चाचा। ये दिया दोनों को, दिया तो अकेले को दिया। तेरी ये इसका बॉक्स है, क्या मस्त लग रही है ना देखो। ये वॉक का भी है, क्या लाए एप्पल वाली वॉच चाचा ने, वो क्या गिफ्ट दिया देखो, है ना विकट चाचा ने लाया। थैंक यू टू चाचा। हाँ अम्मा बाबा को दिखा सकते भूल गया मैं, वो तो मैं लेता ही रहता हूँ। चलो अभी अम्मा को दिखाने चलते हैं, मैं नहीं पहनूंगा इसको मतलब। तो भाई तू मेरे को रखेगा ना? लेपर्ड मारूंगा तो थोड़ा बहुत प्यार दियो, हट यहाँ से। मतलब तेरे को दिया तो बाबा, देखो चाचा ने मेरे को क्या गिफ्ट किया, वॉच सही लग रही है ना। तो मैं लाया मैं थोड़ी ये वाली बाबा के लिए, देखो तो सही पहन के देखो। लो ये वाली बढ़िया तो है एकदम। बाबा और भतीजे, बाबा पोते के लिए, बाबा पोते के लिए। ये देखो सही लग रही है ना भाई, पहले ही मैं रखी है। अरे फेंको साली, तो उसको ये चाचा लाए हैं, मस्त है ना। कॉलिंग वो कॉल उठाना लग भी चाचा लग, मेरे जैसा ही लग रहा है बंदा। चार पेप्सी घड़ी है, पेप्सी सब घड़ी है, रोने लग गया। हाँ वो तुसी, हाँ कहाँ रखे बाहर? ये हमें हार्ट बीट चेक करना, हार्ट बीट तो चल रही है, ऑक्सीजन लेवल सही है यार। स्मार्ट वॉच है ना वाली, स्मार्ट ये आईफोन की है ना, मतलब जो आईफोन की है, मतलब वो होती है ना एप्पल कंपनी की है, मतलब वॉच 7 सीरीज है ये। ओके लग रही है यार, नहीं नहीं वॉच तो चलती रहेगी ना ये, मगर ऑफ भी हो सकता है भाई। मतलब इतना प्यारा गिफ्ट चाचे की तरफ, हाँ चार्जर लगता है। थैंक यू चाचा, चाचे की तरफ से इतना प्यारा गिफ्ट दिया। देखो टाइम क्या हो रहा है, 12 और चाचा है एकदम से, फिर गिफ्ट दिया। चले चार्ज करते चले इसको, है ना। बाय चाचा, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। गाइस बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा, मतलब मैं हैप्पी हूँ ना, मतलब इतना प्यारा गिफ्ट मेरे को बहुत, मतलब 7 सीरीज दिया चाचा ने मेरे को, बता नहीं सकता। देखो कुछ ऐसा है 7 सीरीज एंड पीछे कुछ ऐसा लिखा है, रुकना 7 सीरीज है, पता नहीं क्या है 7 सीरीज, हाँ लिखा है ना, ठीक है। आईफोन 7S और लेटर विथ iOS 14 और लेटर, पता नहीं क्या क्या है, कुछ भी है भाई। मतलब इतना प्यारा गिफ्ट चाचा की तरफ से यार, मतलब थैंक यू सो मच चाचा, मज़ा आ गया भाई। इसकी स्ट्रिप लगाते हैं वाली, इधर है? पीछे लगती है ऐसे, कैसे ऐसे लगती है और चार्ज पर लगा, चार्ज पर लगा। बॉक्स है इसका, ये वाला बॉक्स तो अच्छा है, ये वाली स्ट्रिप अच्छी लगी मेरे को। अगर नया लाते हैं ना, सबसे पहले अपने कान्हा जी को दिखाते हैं, ठीक है।
एंड सी यार, मतलब इतना प्यारा गिफ्ट आ रहा है तरफ से, मतलब माई मतलब दिन बना दे चाचा ने आज, इतना अच्छा लगा मेरे को। और देखो टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, चाचा एकदम से आए, मतलब पता नहीं क्या है। चाचा ने बोला कि कुछ गिफ्ट वगैरह मतलब ले लेते, क्या लाया मेरे को, बोला क्या चीज़ है। दन देखा मैंने और 7 सीरीज मिल गई मेरे को, भाई साहब गलत ही तरह की फीलिंग आ रही है इस टाइम मेरे को। मतलब पहले मेरे को चाहिए भी थी बहुत, सही बताऊँ तो, है ना, और 7 सीरीज मिल गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मतलब छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब कि कोइंसिडेंस देख रहा हो आप, आज ही मेरी जो ब्लैक वाली वॉच थी ना उसका मतलब जो स्ट्रिप थी वो कट गई थी, है ना। मैंने आपको दिखाया भी था शायद ब्लॉग में, ठीक है, नहीं दिखाया तो पता नहीं है, ऐसे है ना, टूट गई थी वो जो है। तो भाई मतलब देख रहे हो और आ रहा तुम्हें यार 7 सीरीज मिल गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। देखो और चीज तुम्हारा भाई क्यों बनाई है, क्या बनाया तुमने? मैंने इंडिया बनाया, देखो हाँ मैंने बनाया, मैं जा तो दूसरे, चल हट गाय। देखो जी तुम्हारा भाई है ना क्यूब में ना प्रो हो गया, मैं बहुत प्रो हूं, मैं हूं। रेड बना के देखो तुम्हारा भाई मतलब थोड़ा लिटिल बिट प्रो हो गया, तुम्हारा भाई इतना प्रो हो गया ना क्यूब में, तो मैं ना मतलब 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट क्यूब, अब देखो कैसे सॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है। देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है। लाल यार ब्रेड सेक रहा हूँ मैं वैभू भाई के लिए हमारे, क्योंकि भाई वैभू भाई हमारे बिना मतलब बिना सीखे ब्रेड नहीं खाते, इसमें हमारे सेक रहा हूँ, उसने भी खाना नहीं खाया ना आज, तो भाई सेक दे जल्दी जल्दी ब्रेड, देखता हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी सेक दूंगा जिससे कि उसको स्वाद आए। नींबू छिड़क दे उसके ऊपर, जैसी जैसी ब्रेड दूध में डालेगा वैसी पनीर बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं शेफ भी हूँ, तो देखो देखो कैसे उछालता उसको, देखो कर लेगा कोई ऐसे भाई, मतलब क्या बताऊँ, इतने सालों की ट्रेनिंग है तब जाके मैं कर पाता हूँ ये, देखो देख रहे हो। नदी देखो रात के कितने बज रहे हैं, देखो भाई टाइम देखो, ओए घड़ी चले जरा, घड़ी बोल लो भाई यार, मेरे मुंह से निकल गई भाई, 2:30 बज रहे, देखो देखो 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे बंदा मतलब दूध और ये ले रहा है, जबकि मैं जिम गया हूँ आज, इसको ये भी नहीं सोचना है मतलब बंदे ने यार, वो बंदा वर्कआउट करके आया है, बट कोई बात नहीं, चलो लेके चलते हैं बंदर, है ना, कि खाएगा। वैसे अच्छी सी नहीं सजाई मैंने, है ना थाली। ले वे ले लेके जा, लेके जा जा बहू रानी, चल। तो गाइस अब मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड, ओके आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बाकी लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।